इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कालांवाली से। कालांवाली के पंचरत्न रोड स्थित एक दुकान में आग लगने का मामला सामने आया है। दुकान की दूसरी मंजिल पर आग लगने से वहां हाहाकार मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। जो ताज़ा जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है दमकल की टीम की तरफ से। दुकान की दूसरी मंजिल पर आग लगी है और आग लगने से वहां पर हाहाकार की स्थिति कालांवाली से खबर सामने आई, जहां पंचरत्न रोड स्थित एक दुकान में आग लगने का मामला सामने आया है। दुकान की दूसरी मंजिल पर आग लगने से हाहाकार मच गया और वहां पर दमकल की टीम पहुंची हुई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है लेकिन बताया जा रहा है अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कालांवाली के पंचरत्न रोड स्थित एक दुकान में आग लगने का मामला सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दूसरी मंजिल पर आग लगी है और आग बुझाने की कोशिश वहां पर की जा रही है दमकल विभाग की तरफ से, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाए जाने की आज जानकारी है। हालांकि दमकल की टीम कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाने की पुरजोर कोशिशों में जुटी हुई है। देखना होगा कब तक आग पर काबू पाया जाता है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम। जगदीश प्रजापति हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। जगदीश, इस मामले में ताजा अपडेट क्या है फिलहाल कि आग पर काबू पा लिया गया? कालांवाली के पंचरत्न रोड पर पपिया बागड़ी की करेटा की दुकान थी, उसमें सुबह जो आज सुबह 3 बजे है जो आग लगी थी। सूचना मिलते ही जो दमकल की गाड़ियां और पुलिस विभाग है मौके पर पहुंच चुका है। अभी सूचना मिल रही है कि जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है। कहीं ना कहीं बड़ी मशक्कत के बाद शटर तोड़कर है दुकान काबू पाया गया है। दुकान के मालिक पपिया बागड़ी ने बताया कि दुकान में आग लगने का कारण बिजली पीने का कारण हो सकता है, क्योंकि उसकी जो दुकान का जो मेरे का काम करने वाला लड़का लगा हुआ था सुबह देर रात्रि में गया, तो रात को 15 मिनट बाद ब्लू उतरा है, तो वह कहते बिजली जो है वो पीते हैं और उसकी बिजली सोने के कारण हो सकता है आग लगी हो, जिस कारण यही बताया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आग पर काबू पा लिया गया है, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई थी और फिलहाल वहां पर बताया जा रहा है कि बीड़ी पीने की वजह से वहां पर आग लगी होगी, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं है।